क्योंकि ये जो हम जो संस्कार करवाते हैं पंडितों से, वो क्या बोलते हैं हमें समझ नहीं आता, वो क्या बोल गए क्या नहीं बोल गए, चाहे हमारे खिलाफ ही बोल गए, हमें नहीं पता चलता। राजेंद्र पाल गौतम ने फिर दी ब्राह्मणवाद को चुनौती। क्योंकि हम लोग इस तरह गुलाम बना दिए, हम लोग जन्म से लेकर मरने तक के सारे संस्कार करवाते हैं और उनसे करवाते हैं जिन्होंने हमारी दशा की है। ससुर की हुई मौत तो ब्राह्मणों से नहीं कराया कर्मकांड, आज हम अपने संस्कार खुद कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं जो ऐतिहासिक है, जिसको 20-30 साल बाद भी आएंगे बच्चे याद करेंगे। ससुर की अस्थियों पर लगाया फलदार पेड़। तो आपको यह रहेगा कि हमारे पिताजी की, हमारे बाबूजी की, हमारे भाई की यहाँ अस्थियां हैं। भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य ये तस्वीरें हमें पाखंड और कर्मकांड से बचने की नसीहत देती हैं। इन तस्वीरों में दिल्ली के पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जिस पेड़ के सामने खड़े होकर बुद्ध वंदना कर रहे हैं, उस पेड़ के नीचे उनके ससुर की अस्थियां हैं। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराने के कारण मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके राजेंद्र पाल गौतम ने इस दौरान बहुजनों से बड़ी बात कह दी। भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयां पि बुद्धं शरणं गच्छामि साधु 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 साधु। अर्थात जो मैंने बोला अब मैं उसको हिंदी में समझाऊंगा, क्योंकि ये जो हम जो संस्कार करवाते हैं पंडितों से, वो क्या बोलते हैं हमें समझ नहीं आता, वो क्या बोल गए क्या नहीं बोल गए, चाहे हमारे खिलाफ ही बोल गए, हमें नहीं पता चलता। लेकिन बुद्ध धर्म में जो बोला जाता है उसको समझाया जाता है। तो पहले मैंने बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा समबुद्धस्य, यानी मैं उस भगवान तथागत बुद्ध को जिन्होंने राग द्वेष लोभ मोह और अहंकार को जीत लिया, मैं उन तथागत बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। तो ये नमस्कार हमने 3 बार किया। फिर हमने दूसरा बोला बुद्धंग शरणंग गच्छामि। बुद्धंग शरणंग का मतलब, बुद्ध का मतलब है बुद्धि से, ज्ञान से, यानी मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ, मैं बुद्धि की शरण में जाता हूँ। दूसरा हमने बोला धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब होता न्याय, शरणं मतलब शरण, गच्छामि मतलब जाता हूँ, यानी कि धम्मं शरणं गच्छामि मैं न्याय की शरण में जाता हूँ। और तीसरा हमने बोला संघं शरणं गच्छामि। लेकिन यहाँ आप अगर 20-30 साल बाद भी आओगे तो आपको यह रहेगा कि हमारे पिताजी की, हमारे बाबूजी की, हमारे भाई की यहाँ अस्थियाँ हैं। और ये जो पेड़ है जिससे आज हम फल खा रहे हैं, यहाँ हम जामुन खा रहे हैं, वहाँ से कटहल की सब्जी खा रहे हैं, जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो आपको ये रहेगा कि यार इनके नीचे हमारे बाबूजी की अस्थियाँ थी और उन अस्थियों का अंश इस पेड़ के अंदर है, यानी हमारे पिताजी आज भी हमारे सामने इस पेड़ के अंदर विराजमान है। हमें इसको पालना पोसना है, पानी देना है, इसका ध्यान रखना है। और जब ये बड़े होंगे, अब हम और आप शायद ना हों पर जो बच्चे हमारे वो होंगे, उनके उनके बच्चे होंगे, वो आएंगे यहाँ आया करेंगे, साल में वैसे नहीं आते, कम से कम एक साल में पिताजी को याद करने के नाम पे आ जाएंगे। और यहाँ आके जब वो पुष्प चढ़ाएंगे और यहाँ पेड़ के फल खाएंगे तो उन्हें ये रहेगा कि हमारे दादाजी के नाम से पेड़ लगा, इसमें हमारे दादाजी की अस्थियाँ हैं। तो ये ऐतिहासिक चीज़ है, ये उनका है। तो आपको तय करना है कि आपको उस रास्ते पर चलना है जिस पर वो लोग ले जाते हैं जिन्होंने हमें हजारों साल तक गुलाम बना के रखा, पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश रखी, व्यापार पर धार्मिक बंदिश रखी, इंसान का दर्जा भी नहीं दिया,
है ना, जानवर से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया। एक तो ये कि हम उनके बताए रास्ते पे चले और जिंदगी भर गुलाम रहे। तो आज हमें उस गुलामी से हर तरह से मुक्ति मिल गई, क्योंकि हम लोग इस तरह गुलाम बना दिए। हम लोग जन्म से लेकर मरने तक के सारे संस्कार करवाते हैं और उनसे करवाते हैं जिन्होंने हमारी ये दशा की है। आज हम अपने संस्कार खुद कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं जो ऐतिहासिक है, जिसको 20-30 साल बाद भी आएंगे बच्चे याद करेंगे। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अपने श्रद्धा सुमन मैं पिताजी को अर्पित करता हूं। अब ये माला आप दे दें, आप भी चढ़ा दो, बच्चों से चढ़वा दो, हम भी हाथ लगा, सभी लगा दो हाथ इसमें, बस हाथ चढ़ा देंगे, हम लोग हाथ लगा देते हैं इसमें, हाथ लगा ठीक है, सब लोग हाथ लगा दो, बस हाथ लगा लगाओ भाई, सब लोग हाथ जोड़ लेंगे, मैं जो बोलूंगा मेरे साथ बोलेंगे सब। सब्बे सत्ता सुखी हंतु सब्बे हवंतु चखे मिनो सब्बे भद्राणी पश्यंतु महाकिंच दुख महागमा। सब्बे सत्ता सुखी हंतु सब्बे हवंतु चखे मिनो सब्बे भद्राणी पश्यंतु महाकिंच दुख महागिना। सब्बे सत्ता सुखी हंतु सब्बे हंतु चखे मिनो सब्बे भद्राणी पश्यंतु महाकिंच दुख महागिना। साधु साधु साधु। अभी हमने तीन बार जब हम कोई संस्कार करते हैं, चाहे शादी का संस्कार हो या कोई और संस्कार हो, लास्ट में फिर हम लोग मंगल कामना करते हैं। अभी हमने जो तीन बार बोला है मंगल कामना की है कि इस संसार में ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जमीन पे हैं, चाहे पानी में हैं, समुद्र में हैं, या हवा में हैं, या आकाश में हैं, सभी प्राणी खुशी रहें, सबका मंगल हो, सब सुख से रहें, सबके लिए हमने मंगल कामना की है। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय गुरु। राजेंद्र पाल गौतम के इस कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।